रोहित जी कई सवाल आ गए हैं तो सबसे जवाब ले लेते हैं। ये बताइए, बेरोजगारी का मसला बहुत उठ रहा है, इसके अलावा करके जवाब दूंगा, एक मिनट समय लूंगा बस। भाई ने कहा रोजगार चाह रहे थे, मैं इनको व्यक्तिगत पहचानता हूँ, 3 बार चुनाव नौ लड़ चुके हैं, तो रोजगार वो वाला नहीं मिल पाएगा। अभी ये शायद सरकार का वो रवैया इन्होंने देखा नहीं है कि जब 1865 दिन की सरकार में 3116 मुकदमे हुए थे, 47 बार लाठीचार्ज हुआ था, 9 बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आए थे, जेल की यात्रा कर रहे थे, सैकड़ों की संख्या में बच्चे 5-5 हजार के इनामी कर दिए गए थे, भूल गए क्या वो समय? और रोजगार की बात करेंगे, 4.5 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार, 3.5 लाख युवाओं को संविदा पे रोजगार, 82 लाख लोगों को एमएसएमई में, और वो तो 22 लाख देने की बात कर रहे हैं सपा वाले। वो कहने का तो उन्होंने दिया ना, एक जात के लोगों को रोजगार मिला है, मैं कहाँ उससे इनकार कर रहा हूँ। इटावा सैफई मैनपुरी यही देते रहेंगे क्या आप लोग? देखिए, बेरोजगारी भत्ता हमारी सरकार ने दिया था नौजवानों को, और रोजगार भी दिया था 4 लाख जो है, हम लोग अध्यापक की भर्ती भी किए, और आगे आने वाले समय में हमने वो लैपटॉप भी दिया बच्चों को पढ़ने के लिए, बड़ा वाला, हमने छोटा वाला नहीं दिया। अब सवाल और वॉलपेपर बदले तो लैपटॉप हैंग हो गया। यूपी में काबा, अब यूपी में जल सन्यासी मंदिर में, अब वो मंदिर में बाबा जाएंगे। ठीक है, ये बताइए कि तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर हम प्रयागराज को लेकर बात करें तो केवल एक ही सीट पर चर्चा क्यों कांग्रेस की, बाकी पर है लड़ाई में? आप जब रिजल्ट आएगा 10 मार्च को तो आप देखिएगा कि किस तरह से कांग्रेस यहां पर कई विधानसभाओं से चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जा करके आवाम की एक मजबूत आवाज बनने जा रही है, क्योंकि 5 साल उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ा है तो प्रियंका गांधी जी। आपने स्वयं देखा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया 4 साल 3 महीने घर में कैद होकर बैठे थे, और मायावती जी तो कोमा में थी, उनकी आवाजें नहीं निकल रही थी योगी सरकार के खिलाफ। तो अगर सड़क पर कोई संघर्ष किया है तो सिर्फ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। तो आज उत्तर प्रदेश की आवाम यह तय कर चुकी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देकर के विधानसभा भेजेंगे।